नोट कर दिया अपने बेटे को। बोल दे सन्नी आप देख सकते हैं कुआं में एक भारत देश का सबसे जहरीला सांप कॉमन करैत जो कि रात को निकलना पसंद करते हैं और सोते हुए इंसान के पास इसे जाना बहुत पसंद है क्योंकि इसको इंसान का गर्मी बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो बने रहिए वीडियो में, हम इसका रेस्क्यू करते हैं। अभी आप लोग ये जो सांप देख रहे हैं ये बहुत ही जहरीला सांप है, भारत देश का सबसे जहरीला सांप यही है जो कि कॉमन करैत साइलेंट किलर के नाम से पहचाना जाता है। ये रात में निकलना पसंद करते, पहचान लीजिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से गौर करैता। गौर करैता ये रात को निकलना पसंद करते है ना, सोते हुए इंसान के बिस्तर पे ही जाता है। तुम मच्छरदानी लगा के सोना है आप लोग को, बारिश का मौसम है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, काट लेगा भारी समस्या पर जाइएगा।
चलिए दोस्तों इसे पैक करते हैं। बढ़िया से लेंगे। बस शांत हो बेटा। तो अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये कुएं फटा हुआ था और देखिए कितना कंजेस्टेड एरिया था ये, और इतने सारे क्या है लोग यहाँ रहते थे और इतना भारत देश का सबसे जहरीला था इन लोगों के बीच में था। तो अभी जस्ट अभी मैंने इसका रेस्क्यू कर लिया। अच्छी तरीके से लेके चलेंगे जंगल इंसानों से दूर जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित जी सके। अगर हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोबारा और किसी नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक शेयर करने पर धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपने रात में देखा ये कुएं के पाइप के सहारे ये क्या आस्ते आस्ते ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा था और शायद इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। जिसमें हम रेस्क्यू करने गए तो रेस्क्यू करने से पहले हमें कोबरा कोबरा बोला जा रहा था। जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आके तो भारत देश का एक जहरीला सांप क्या है पाइप के सहारे पाइप के पास बैठा हुआ था, लसक गया था। लसका नहीं था यानी कि वो ऊपर चढ़ने का प्रयास में था। तो लोगों को लोग जब नीचे झांक रहे थे कुआं में तो ये क्या एक जगह बैठ चुका था अपने आप को लपेट के। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को समझा देते दोस्तों कि ये बहुत ही जहरीला सांप है। जो नाग जो कि फन को फैलाता है इस तरीका से फन को फैलाता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक सांप है ये। तो क्या करने का दूरी बना के रहने का है। सांप को पहचानना सीखिए। सांप जब तक आप पहचानना नहीं सीखिएगा तब तक क्या समस्या का निदान नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है सांप तभी काटता है जब आप सांप के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा। आप लापरवाह बनिएगा तभी सांप काट लेगा आपको, है ना। तो लापरवाह नहीं बनना और किसी भी सांप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। दूरी बना के रहना, जिस तरह से मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है ना, तो उस तरह से सांप के लिए भी दूरी बहुत जरूरी होती है। दूरी बना कर रहिएगा तो ये आपको ये नहीं काटेगा, ये चला जाएगा। तो दूरी बना कर रहना है। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको हम ये भारत देश का सबसे जहरीला सांप जो है इसे मिलाते हैं। यही है भारत देश का सबसे जहरीला सांप, साइलेंट किलर, कॉमन करैत, जो रात में अक्सर बिस्तरों पे जाना पसंद करते हैं। इंसान की जो गर्माहट होती है उसे लेना इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी पहचान दिखाइए हमारे दर्शकों को नज़दीक से। ये ब्लैक कलर का होता है और इसकी बॉडी पे जो आप पैटर्न देख रहे हैं गोल गोल लच्छेदार जैसा वाइट, ये इसका मुख्य पहचान होता है। यही इसका प्रमुख कलर हो गया ब्लैक में वाइट, इसके अलावा इसका कोई कलर नहीं है, है ना। तो ब्लैक में जब वाइट आपको सांप दिख जाए तो दूरी बनाना है। और ये देखिए ये अपना रास्ता जहाँ इसे ये लग रहा कि नहीं हम सेफ है ये जा रहा है। तो दोस्तों हम इसे जाने देंगे। ये बहुत ही फुर्तीला सांप होता है और जैसे इसको थोड़ा सा भी आहट महसूस होगा हल्का सा भी शरीर में अगर टच कीजिएगा तो ये बहुत फास्ट भागना चालू करता है। तो दिखाते हैं अभी आपको ये कितना तेज चलता है। नाग सांप से भी जहरीला होता है यह सांप दोस्तों। तो दूरी बनाकर रहिए, सांप से दूरी बनाकर रहिए तो आप सुरक्षित रहिएगा। ज़्यादा सांप के नज़दीक जाइएगा, सांप से छेड़छाड़ कीजिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो वो जहरीला सांप काट लेगा आपको। उसको पता नहीं है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, उसको जैसे ही खतरा महसूस होगा वो काट लेगा आपको।
तो चलिए हम इसे थोड़ा अंदर जंगल की ओर डाल देते हैं, है ना, ताकि ये चला जाए। देख सकते हैं ये अपना सही जगह, आस्ते आस्ते घुस गया, वो जा रहा है। देखिए ये जा रहा है, ये देखिए अंदर से जा रहा है। चला गया अंदर की ओर पूरा। चलिए तो अभी जैसा कि आपने देखा वीडियो में दोस्तों, ये दिन के वक्त क्या थोड़ा एक्टिव कम होता है, तो इसी वजह से क्या है लास्ट टाइम हमें हाथ से उठा के उसे जंगल की ओर डालना पड़ा, क्योंकि अगर जो जंगल की ओर नहीं डालते तो यहीं पे क्या है वो कहीं गोल अपना राउंड अप कॉइल बना के बैठ जाता, तो ये दिन में थोड़ा एक्टिव कम होता है, तो अंधेरे वाले जगह पर निकलना पसंद करते हैं। और ये सांप एक ऐसा सांप है जो रात को निकलना पसंद करते हैं। तो चलिए सुरक्षित ये अपने जगह पर आ चुका है, और आप लोग भी सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।